नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत। अपडेट अबोहर से आ रही है। अबोहर की नई आबादी गली नंबर 19 से एक बच्चा गत साय घर के बाहर खेलते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बच्चे के परिजनों ने मोहल्ले के ही कुछ लोगों पर रंजिशन उनके बेटे को अगवा करने अथवा करवाने के कथित रूप से आरोप लगाए हैं तथा पुलिस द्वारा उक्त लोगों पर पर्चा दर्ज न किए जाने की सूरत में आज SDM कार्यालय के बाहर बच्चे के परिजनों द्वारा धरना दिया गया। जानकारी के अनुसार फाइनेंसर बलजिंदर का 12 वर्षीय बेटा अरमान, जो कि DAV स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र है, कि माता दविंदर पाल कौर ने बताया कि गत साय वह घर के बाहर खेल रहा था तो उसने अपने बेटे को घर आने को कहा तो उसने कुछ ही मिनट में खेलकर आने की बात कही। उसके बाद जब वह घर के बाहर आई तो देखा उसका बेटा वहाँ से गायब था। वहाँ पर खेल रहे अन्य बच्चों से पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके बेटे को कोई अज्ञात व्यक्ति अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गया। उन्होंने अपने स्तर पर उसकी पूछ पड़ताल की तो कुछ पता नहीं चला। उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित किया, जिस पर 2 कर्मचारी मात्र औपचारिकता निभाकर चले गए और उनकी सुनवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि वे पूरी रात्रि से अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा, जिसके विरोध स्वरूप आज उन्होंने SDM कार्यालय के समक्ष धरना लगाने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने SDM को बताया कि मोहल्ले के कुछ लोगों से उनका पुराना विवाद चल रहा है और 4 माह पूर्व उक्त लोगों ने उन पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया है। अब जब उसका पति जमानत पर आया तो उसके परिवार को फिर से परेशान किया जा रहा है। दविंदर पाल कौर ने उक्त लोगों पर उनके बच्चे को अगवा करने या करवाने के आरोप लगाए तो SDM ने CT1 व CT2 के प्रभारियों को बुलाया, जिस पर उन्होंने बताया कि उनकी पुलिस टीमें मामले की गहनता से जांच कर रही है लेकिन अभी तक बच्चे का सुराग नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है। SDM ने कहा कि उनके बेटे को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, इसके लिए शहर के हर मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की जाएगी और वे खुद पुलिस प्रशासन संग मिलकर बच्चे को ढूंढने का प्रयास करेंगी। SDM के आश्वासन पर बच्चे के परिजनों व रिश्तेदारों द्वारा धरना उठा दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार जसपाल सिंह बराड़ व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हमारे प्रतिनिधि अनिकेत भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा तस्वीरें हमें भेजी जा रही, हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। की गल हुई है भाई जी? आए थोड़े नाल मेरा बच्चा जी रात 8 बजे खेल रहा सी उत्थे घर दे गेट अगे, तो उन्हों कोई अनपछाते व्यक्ति 4-5 बंदे जिवें कोई लै गए, तो उस तो बाद लापता है जी, मिलता नहीं पे हूँ तक। तो इतने कोई कार्रवाई नहीं हुई, असं पुलिस को रिपोर्ट भी दर्ज कराती, सारा कुछ करता जी। हम SDM साहब जी आए हैं, इन्हों ने सानू भरोसा दवाया भी असं कोई कार्रवाई करा, हम देखो अगे की बनता है जी। लग रहा है 20 घंटे हो गए जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगे देखो जी की बनता है जी। पुलिस कोई छानबीन कर रही है इस मामले च? कहीं लगता तो नहीं पाया जी, कुछ कर रही है जी, तक पूछताछ नहीं की किसी बंद, तो नहीं कुछ नहीं पूछताछ की, खाई सी 4-5 बंद सू शक से, कोई अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं होया जी। की गल हुई है, बच्चा कितों गया और किवें लापता होया जी? बच्चा नई आबादी गली नंबर 19 बड़िया पौड़ियाँ डॉक्टर जिंदा के नज़दीक बाहरों खेडता होया, चक के कोई लै गया। एक हैलमेट वाला बंदा सीगा जिन्हें काले रंग का मोटरसाइकिल सीगा, काले रंग का हैलमेट सी उहदा, उन्हें एक डब्बा रखा हुआ सी आपदे नाल, उन्हें बच्चे नूं वरा के कहा भी डब्बा पकड़ मेरे पिछे रख, फड़ के बैठ, तो थोड़ी दूर तक मेरे नूं छड़ के आ। इसे बहाने नाल उह बच्चे नूं इत्थों घरों बुला के लै गया। उस तो बाद बच्चे का कोई ना थे नहीं लब्भा, कोई कुछ नहीं। बाद च असीं जाके थाने च रिपोर्ट लिखाई है, असीं उन्होंने पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं, रात नूं कोई कार्रवाई नहीं की। सवेरे फिर असीं पेश होए हैं जाके, फिर जाके थोड़ी थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल मध्यम जी, कोई रात नूं गड्डियां चैक नहीं कीतियां, कोई कुछ नहीं गा। बाद दे विच जाके असीं हुण इस टाइम SDM साहब दे धरना दित्ता है। SDM साहब दे धरना देण तों बाद SDM साहब ने सानूं आश्वासन दित्ता है भी मैं खुद कार्रवाई करवावांगी नाल रल के पुलिस वालिआं दे। इस करके असीं हुण इत्थे कार्रवाई की मांग करते हैं भी साडा बच्चा सानूं लभ के दित्ता जाए, जिहड़ा साडा कल रात दा गुम है।